रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम राजा, ऑटोकैड सेल 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल क्वेश्चन इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रा रोड का सेक्शन इन सिविल 3D। कि सिविल 3D में हम रोड का सेक्शन जो है वो किस तरह से ड्रा करते हैं, आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट और इस पूरे लेक्चर का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे केयरफुली सुने। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको सिविल 3D का लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, इस डिटेल और एक्सप्लेनेशन से आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कमेंट में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा आज का लेक्चर है हाउ टू क्रिएट रोड का सेक्शंस इन ऑटोकैड सिविल 3D। ऑटोकैड सिविल 3D में हम कुछ इस टाइप के रोड का सेक्शंस क्रिएट करेंगे। हर आईडी पर इससे पहले हमने पढ़ा सैंपल लाइंस लगाई, और अब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि इन्हीं सैंपल लाइंस के ऊपर हम जो है वो रोड का सेक्शंस क्रिएट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स मेरे नहीं पढ़े तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लेक्चर्स जो है वो कवर कर लें। आपको सरफेस क्रिएट करनी आनी चाहिए, अलाइनमेंट ड्रा होनी चाहिए, प्रोफाइल क्रिएट, डिज़ाइन प्रोफाइल, सुपर एलिवेशन आपको क्रिएट किया होना चाहिए, असेंबली क्रिएट की होनी चाहिए, उसके बाद कॉरिडोर लगाना चाहिए, कॉरिडोर सरफेस क्रिएट की होनी चाहिए और सैंपल लाइंस लगाई होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है रोड क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज, जनरल सेक्शन, सेक्शन प्लेसमेंट्स, ऑफसेट रेंज, एलिवेशन रेंज, सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन एंड डाटा बैंड्स। उसके बाद एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल, इन्फॉर्मेशन, ग्राफ, ग्रिड, टाइटल एनोटेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, डिस्प्ले एंड समरी। उसके बाद स्केल एडजस्टमेंट करेंगे एंड अपडेट ग्रुप लेआउट, सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज, इन्फॉर्मेशन, ऑफसेट एलिवेशन, सेक्शन बैंड्स, वॉल्यूम टेबल्स, प्रोफाइल एंड गाइडलाइंस। उसके बाद हम सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप सर्फिस, कॉरिडोर, फिनिश ग्राउंड, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सेक्शन व्यूज, चेंज बैंड सेट, एड बैंड्स, चेंज वॉल्यूम्स, टेबल, प्रोफाइल ग्रेड पॉइंट्स, ऑफसेट एंड एलिवेशन। उसके बाद एडिट कोड सेट स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह कोड सेट स्टाइल्स किया जाता है। उसके बाद पॉइंट कोड, उसमें लिंक कोड, शेप कोड कैसे डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद ड्रॉ और शो मिसिंग कोड, जो हमारे मिसिंग कोड्स हैं उनको कैसे हम शो करेंगे। उसके बाद स्केल एडजस्टमेंट फॉर सेक्शन व्यू एंड रोड प्रोफाइल, दोनों के लिए हम किस तरह से स्केल एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलें हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड में जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले अपना कॉरिडोर सरफेस, कॉरिडोर और ये सब सैंपल लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर चुके हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने भी वो सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा कि हमने सेक्शंस ड्रा करने हैं। तो सेक्शन ड्रा करने के लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सेक्शन व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास आता है ये क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी भी सैंपल लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी आप ये क्रिएट जो है वो ये सेक्शन व्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्रिएट सेक्शन व्यू या क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको आपके सामने क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट अलाइनमेंट में हम अलाइनमेंट वन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अलाइनमेंट होगी तो आपने जिस अलाइनमेंट के सेक्शन ड्रा करने हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सैंपल लाइन ग्रुप है हमारा वो SL1 है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने स्टेशन रेंज है, ये ऑटोमेटिक रेंज है जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है। आपने यूज़र डिफाइंड अगर करनी है कि आप अपनी मर्जी की कोई रेंज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ क्लिक करके आप ड्राइंग से डायरेक्टली पिक भी कर सकते हैं, तो हम उसे ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन व्यू नेम है, यहाँ पर अगर आप नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद है आपका सेक्शन व्यू लेयर है, ये आपकी लेयर है। अगर आप कोई नई लेयर क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, हम उसे एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद आपके सेक्शन व्यू स्टाइल है, यहाँ पर आपके पास दो तरह के स्टाइल हैं, जिसमें आपके पास लैंड डेस्कटॉप सेक्शन हैं और रोड सेक्शन हैं। हम इसमें रोड सेक्शन का स्टाइल जो है वो यूज़ करें, दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन प्लेसमेंट का। इसमें सबसे पहले आपका प्रोडक्शन है कि अगर आपने ड्राइंग वगैरह प्रिंट लेना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप आगे डिफरेंट आपकी ड्राइंग टेम्पलेट्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी व्यू आपने सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करके और उसमें ड्रा कर सकते हैं। हमने ड्राइंग नहीं, हमने ड्राफ्ट पर सेलेक्ट करना है, तो हम ड्राफ्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑफसेट रेंज। अगर यहाँ पर आपकी लेफ्ट और राइट रेंज दी गई है 25 25, अगर आपने यूजर स्पेसिफाइड अपनी तरफ से कोई रेंज देनी है तो आप दे सकते हैं, हम इसे ऑटोमेटिक पर ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एलिवेशन रेंज, यहाँ पर आप अपना एलिवेशन रेंज देंगे, हमारी ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट है। यहाँ पर यूज़र डिफाइन करके आप अपनी मर्जी की हाइट भी दे सकते हैं।
हम इसे ऑटोमेटिक पर ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन। ये आपका सेक्शन जो है वो सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपने, ये आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग ग्राउंड दिखाई गया, उसके बाद आपको कॉरिडोर और असम्बली दिखाई गई है, उसके बाद आपका कॉरिडोर सरफेस दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमारे जो जो असम्बली है उसका स्टाइल जो है वो बेसिक है, हम इसे चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम इसे व्यू एडिट पे कर लेंगे और ओके कर देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा बैंड्स। यहाँ पर आपको बैंड स्टाइल शो हो रहे हैं, जिस टाइप का आपने बैंड स्टाइल आपने नीचे शो करवाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बैंड स्टाइल आपने शो करना है। हम इसे एज इट इज़ रहने चाहते हैं। हमने यहाँ पर ऑफसेट ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का बैंड सेलेक्ट किया हुआ है, उसी को रहने देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बॉटम पर ड्रा करना है या टॉप पर ड्रा करना है, तो हमने बॉटम पर रखना है, लिहाजा ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट बॉटम ही है। उसके बाद आप क्रिएट सेक्शन व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नीचे फाइव वो बता रहा है नीचे बॉटम में कि आइडेंटिफाई सेक्शन व्यू ओरिजिन, के जहाँ पर आपने अपने सेक्शंस ड्रा करने हैं वो ओरिजिन आप जो है वो सेलेक्ट करें कि जहाँ पर आप इनको ड्रा करना चाहते हैं। तो हम उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जहाँ से हमने ड्रा करना है, आपका टॉप लेफ्ट पॉइंट होता है, तो ये यह हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ जहाँ पर अपनी सैम्पल लाइन्स क्रिएट की हैं वहाँ वहाँ पर एग्जैक्टली वो आपके तमाम स्टेशन पर क्रॉस सेक्शन ड्रा कर देगा। तो ये आपके तमाम जो क्रॉस सेक्शन हैं वो उन उन लाइंस पर जो है वो ड्रा हो चुके हैं। तो अब आप इन, जैसे ही आपने जिस जिस तरह आपने चीज़ें ड्रा की हुई थी उस तरह की सेम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये हाईलाइटेड लाइन ये आपकी ग्राउंड सरफेस है। तो ये आपकी 440 पर, जिस तरह की आपकी ग्राउंड सर्फेस थी यहाँ पर 440 का जो आपका स्टेशन है ये यहाँ पर, ये आपका 440 का स्टेशन है। तो यहाँ पर जिस टाइप की आपकी ग्राउंड सरफेस थी सेम एज इट इज़, उसने ऐसे ही आपको यहाँ पर जो आपकी सरफेस है वो ड्रा कर दी। इसी तरह आपके तमाम स्टेशन पर जैसे जैसे आपकी सर्फेसिस भी थी, जैसे 680 पर ये आपकी ग्राउंड सरफेस थी, ये उसने ऐसे ड्रा कर दिए। और इसी तरह ये आपकी टेम्पलेट ऊपर ड्रा कर दिया, जैसे कि आपने असाइन किया था असम्बली, या आपकी उसमें आपने टॉप लेयर असफॉल्ट असाइन की थी, उसके बाद बेस कोर्स असाइन की थी, या जो आपने वॉकवेज असाइन किए थे और जो आपने सर्फेस उसमें असाइन की थी वो एज इट इज़ उसने आपको ड्रा करके बता दिए। तो अब हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप राइट क्लिक करें और एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल में जाएंगे। हम इसका स्टाइल को रीड करेंगे, उस स्टाइल में जो चेंजिंग करने वाली है वो करेंगे। तो इसमें सेक्शन व्यू स्टाइल में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, यहाँ आपको जो नाम भी देना आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, यह आपका स्केल है। उसके बाद है ग्रिड, यह आपको साइड पर आप देख सकते हैं कि यह आपको क्रॉस सेक्शन के ग्रिड नज़र आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा साइड पर करके क्लियर कर देता हूँ। ये आपका जो ये सेक्शन है इसको ऐसे थोड़ा साइड पे करके ताकि आपको ज़रा वाजह रहे, इसको आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल में। यहाँ अगर ये आपके जो लाइंस नज़र आ रही हैं ग्रिड्स, ये जो अंदर में वाइट कलर के ग्रिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको अगर आप फुल करना चाहते हैं तो जहाँ से आप इसको अनचेक करेंगे तो ये आपके ग्रिड्स आप देखते हैं अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो ये आपके ग्रिड जो है वो फुल शो होना शुरू हो जाएंगे। ये जैसे देखें आप इसमें फुल शो हो गए। उसके बाद ये आपको ग्रिड पैडिंग है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं हम इसको वन कर देते हैं ऊपर टॉप से भी, और इसको नीचे से भी हम इसको वन कर देते हैं। इसके जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऊपर से वन और नीचे से वन जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका टाइटल एनोटेशन आती है कि अगर आप जो इसमें टेक्स्ट आपके जितने भी क्रॉस सेक्शन हैं उनमें जो टेक्स्ट शो हो रहा है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस आते हैं, यहाँ पर ये जो आपको हॉरिजॉन्टल ये 10, 0, 10, 20 ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इनका अगर आप इंटरवल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसे इधर 5 इंटरवल, हम इसको भी 10 कर देते हैं। उसके बाद ये आपके वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल ये आपको 90, 100, 110 ये आपको नज़र आ रहे हैं 10-10 के ऑफसेट्स पर। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये वर्टिकल आप चेंज कर सकते हैं, हम इसको इधर 2 कर देते हैं और ये इंटरवल 1 ही रहने देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पे ये आपका इंटरवल जो है इसने 1122 पे कर दिया, 106, 108। और ये इसके बाद हम इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कर देते हैं। हम जैसे इसके ग्राफ में जाएंगे आप देख सकते हैं स्केल छोटा हो गया, हम इसको यहाँ से 2 कर देंगे, आप इसका स्केल बड़ा कर दें और अप्लाई कर दें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसका स्केल भी ऐसे ही एज इट इज़ इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसके डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं।
वर्टिकल एक्सिस के बाद आपका डिस्प्ले ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ टाइटल है इसका, आपने किसी भी चीज़ का अगर कलर चेंज करना है, जो आपका ये फॉर्मेट शो है वो इसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी लाइन वगैरह का, टाइटल का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके कलर को येलो कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट एक्सिस है, लेफ्ट एक्सिस का कलर फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम ये कर देते हैं सयान। और उसके बाद लेफ्ट के बाद हमारे पास आता है ये आपका राइट एक्सिस, ये आपका लेफ्ट एक्सिस है, यहाँ से आपने सयान करना है, ये ओके कर दिया। उसके बाद ये आपका राइट एक्सिस है, यहाँ से आप इसको सयान कर दें। उसके बाद ये आपका नीचे आ जाए तो ये टॉप एक्सिस है, इसको भी आप सेम कलर कर लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और ये आपका बॉटम एक्सिस है, तो इसको भी आप चेंज कर लें यहाँ से सयान। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आपके पास एक्सिस के बाद आपके पास एंड पे जो है वो आपको ग्रिड हॉरिजेंटल, ये आपको ग्रिड हॉरिजेंटल मेजर और ग्रिड हॉरिजेंटल ग्रिड वर्टिकल मेजर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आपने ये जो आपको सेंटर में वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है, इनका कलर अगर आपने चेंज करना है तो इसको हम जो है वो ग्रीन कर देते हैं, ओके। और ये ग्रिड वर्टिकल मेजर को भी हम इधर से ग्रीन कर देते हैं, ओके। तो इसको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका कलर जो है वो जैसे जैसे आपने असाइन किया था, जैसे जैसे उसको आपने चेंज किया था, वो ऐसे ही आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया था, इसको हम एज इट इज़ ग्रीन ही रहने देते हैं। ये आपका टेक्स्ट कलर था। इसको आपने एज इट इज ही रहने देना। उसके बाद हम ओके प्रेस कर देते हैं, अप्लाई एंड देन ओके। तो ये आपका सेक्शन व्यू स्टाइल था। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपका स्केल जो है, ये आप देखें, ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद ये आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा वाजिया नहीं हो रहा, हम इसका स्केल जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ से आपने 1:250 कर देना है। तो जैसे ही आप इसका स्केल चेंज करेंगे तो ये जो आपको टेक्स्ट है ये थोड़ा जो है वो आपको वाजिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अब आप टेक्स्ट को जो है वो ईजीली देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सेक्शन जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर हो गए हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप किसी एक सेक्शन को सिलेक्ट करें, किसी एक सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर अपडेट ग्रुप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो सेक्शंस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ये आपके सेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी ग्राउंड सरफेस को शो कर रही है ये लाइन, इसको हम वाजिया करने के लिए हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो आपने किसी भी सेक्शन पर अपनी ग्राउंड लाइन को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और एडिट सेक्शन स्टाइल में जाना है आपने। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन स्टाइल है तो यहाँ पर आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है। हम इसका कलर मैजेंटा कर देते हैं, ओके। एंड देन इसका भी कलर जो है वो हम मैजेंटा कर देते हैं और ओके कर देना आपने। यहाँ से जो आपकी लाइन टाइप है इसको आपने डैश डैश में कर दें और इसको भी आप डैश में कर दें, ओके। ये आपकी लाइन भी चेंज होगी। अब इसको आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई के बाद आप इसे ओके कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं उन सब में जो आपकी जो ग्राउंड सरफेस है उसकी लाइन जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये तो था हमारा जो सेक्शन स्टाइल्स थे। उसके बाद हम अपने सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या डिटेल है उसको हम चेक करते हैं। तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल और प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, आप अपने जो आपके सेक्शन व्यू है उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये देख सकते हैं, ये सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ और सेक्शन व्यू स्टाइल आपको नज़र आ रहा है। आप इससे इधर से भी आप उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ये आपको सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन ऑफसेट सेलिवेशन सेक्शन और ये सारी चीज़ें, तो इसमें इन्फॉर्मेशन है। ये आपने याद रखना है कि जब आप सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो उसी सेक्शन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि 0+00 है तो यहाँ जो भी चेंज करेंगे वो सिर्फ इसी सेक्शन में होगा। अगर आपने सब में एक बार चलना है तो वो आपकी ग्रुप प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन
तो ये आपका ऑफसेट है। और यहाँ पर से अगर आप ऑफसेट में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर यूज़र स्पेसिफाइड जैसे करना चाहते हैं अगर, तो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एलिवेशन है, ये ऑटोमेटिक है, आप उसको यूज़र स्पेसिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके सेक्शंस हैं, ये आपकी सेक्शंस की डिटेल है, इसमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके बैंड्स हैं, अगर आप सिर्फ इसी सेक्शन में कोई एक्स्ट्रा बैंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हम आगे जाके ऐड करेंगे बैंड्स, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये आपका वॉल्यूम टेबल है, अगर आप इसमें वॉल्यूम टेबल ऐड करना चाहते हैं, कोई किसी भी किस्म का वॉल्यूम टेबल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हमने ऐड किया, हम आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। इधर ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इसे मटेरियल डिफाइन नहीं किया, हमने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं की। जब हम इसका मटेरियल डिफाइन कर लेंगे तो तब आपका इधर जो है वो वॉल्यूम टेबल आप शो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके प्रोफाइल ग्रेड लाइंस है, अगर आप इनको शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी प्रोफाइल्स ग्रेड लाइंस भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। हम इसे इधर से ओके कर देंगे और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेक्शन व्यूज़ का। यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जैसे ये आप सेक्शन व्यू देख सकते हैं, इस पर आप यहाँ पे सेक्शन व्यू पे अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो ये आपको शो करता है कि ये आपका सेक्शन व्यू है जिसमें आपका स्टाइल जो है वो रोड सेक्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह आप नीचे इसकी डिटेल में आते हैं तो जब आप इस लाइन को इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो ये आपको शो करता है कि ये आपकी ग्राउंड एग्जिस्टिंग सर्फेस है। ये नीचे आप स्टाइल में देख सकते हैं, ये आपको शो कर रहा है कि ये आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, कि ये आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड सर्फेस जो है ये उसका लेवल को शो कर रहा है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेकर जाते हैं तो ये आपको लाइन जो हाईलाइट होती है ये भी आपको साथ में शो करेगी आपकी फिनिश ग्राउंड है, यहाँ पर आपकी ग्राउंड फिनिश हो रही है तो ये आपकी फिनिश ग्राउंड की जो टोटल पोजीशन है ये उसको शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप ये कॉरिडोर पर लेके जाते हैं तो ये आपकी कॉरिडोर जो सर्फेस है उसको शो कर रहा है कि ये आपकी जो जितनी भी सर्फेस है ये कॉरिडोर है जिसमें आपने जो स्टाइल यूज़ किया हुआ है वो व्यू एडेड स्टाइल है। तो इस तरह आप जिसके ऊपर भी अपना कर्सर लेके जाएंगे वो उसी को जो है वो उसी की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आप शो करेगा, उसका स्टाइल शो करेगा, उसका नेम वगैरह जो है वो आपको शो करेगा। इसके बाद हम अपने ग्रुप प्रॉपर्टी सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आप किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये आपको नीचे सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ ऊपर से भी सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में भी आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सेक्शन जो है वो साइड पे कर दूँ ताकि आपको थोड़ा वाजिया नज़र आ सके ये चीज़ है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपने ये जो आपकी ग्रिड्स हैं इनको सेलेक्ट करना है और देन राइट क्लिक करके आप सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है एग्जिस्टिंग ग्राउंड, जो आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड सर्फेस है वो है। उसके बाद ये आपका कॉरिडोर मतलब जो इसमें आपकी असेंबली बनी हुई है ये वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये आपका कॉरिडोर सर्फेस है जो आपकी फिनिश ग्राउंड है ये वो है। तो जैसे ही आप इसको फॉर एग्जांपल ऑफ करते हैं और इसको आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी जो एग्जिस्टिंग सर्फेस है उसको वो ऑफ कर देगा। ये देखें आप जो आपकी मैजेंडा लाइन थी वो आपकी जो है वो गायब हो गई है। तो अगर इसी तरह आप अपने कॉरिडोर को हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको अनसेलेक्ट कर दें तो वो आपका कॉरिडोर जो है वो आप देख सकते हैं वो गायब हो गया तमाम कंस्ट्रक्शन से। इसी तरह अगर आप ये आपकी ग्राउंड जो आपकी ग्राउंड प्रोफाइल है उसको आप जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी ग्राउंड प्रोफाइल हाइड हो जाएगी, जैसे ये आप देख सकते हैं या आपकी ग्राउंड प्रोफाइल और आपकी जो अभी आपको वाजह होगी आपकी ग्राउंड फाइल और कॉरिडोर दोनों जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो इसको आप दोनों को सिलेक्ट अगर कर लेंगे तो ये दोनों इसी तरह आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी सरफेस को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टाइल आता है इसका, ये आपके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर आपसे इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप ये बेसिक सेलेक्ट करते हो तो ये आपको बेसिक स्टाइल शो करेगा, इस तरह ये आप देख सकते हो ये आपका बेसिक स्टाइल इस टाइप का है। उसके अलावा आपके दूसरे भी कोड स्टाइल है, या आप ऑल कोड्स में करते हैं तो इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपका ऑल कोड स्टाइल है, या आपको ये जो नज़र आ रहा है ये जिसमें कलरिंग हो गई है थोड़ी, ये आपको ऑल कोड स्टाइल है। उसके बाद आप ये ऑल कोड्स विद हैचिंग में अगर आते हैं तो ये आपका ऑल कोड्स विद हैचिंग स्टाइल है, ये भी तकरीबन सेम ही है।
उसके बाद अगर आप इसको ऑल कोर्स विद नो शेडिंग करते हैं तो ये आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये ऑल कोर्स विद नो शेडिंग का स्टाइल जो है जो इस तरह आपको शो करेगा, या आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनके साथ ये आपको सिंबल्स और नेम वगैरह भी शो करेगा। और ये अगर टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप जहाँ से स्केल कम करेंगे तो ये आपको थोड़ा वाजिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेसिक, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन, उसके बाद कोर्स विद लेबल आता है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह का होगा, ये कोर्स विद लेबल्स कुछ इस तरह का स्टाइल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू एडिट, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट व्यू एडिट विद शेडिंग करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्टाइल आता है, ये आपका व्यू एडिट विद शेडिंग। तो हमने यहाँ पर जो स्टाइल किया हुआ था वो हमारा था, सॉरी, यहाँ पर व्यू एडिट था, हम उसी को रहने देते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन व्यूज़ का ऑप्शन आता है, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये आपका सेक्शन व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, ये आपको सेक्शन व्यू की डिटेल दी गई है और ये आपको यहाँ पर, और उसके बाद ये आपको सबसे पहले आता है यहाँ पर चेंज सेक्शन व्यू ग्रुप बैंड्स का, कि अगर आपने चेंज बैंड्स करने हैं तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के जो बैंड्स हैं उसको अगर आपने ऐड करना है तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर अपने बैंड ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फॉर्मेशन ग्राउंड ऐड करते हैं, या फॉर्मेशन ग्राउंड ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इधर एग्जिस्टिंग ग्राउंड अपना ऐड कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन, तो ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन ऐड हो जाएगा। ये आपका गैप है दो बैंड्स के दरमियान, तो इसको हम 5 कर देते हैं, इसको भी हम 5 कर देते हैं। तो इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह ये नेक्स्ट है, इसको अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये आपके जितने भी सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस पर आपके जो बैंड्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। जितने भी आपने सेक्शंस जो ड्रा किए हुए हैं उन तमाम सेक्शंस पर आपके जो बैंड्स हैं वो एज इट इज़ जो है वो उसी तरह कम्प्लीटली ड्रा हो जाएंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये आपके जितने भी सेक्शंस हैं उन पर इसने बैंड्स जो हैं वो ड्रा कर दिए हैं। ये जितने भी सेक्शंस आप देख सकते हैं नीचे, ये सबके बैंड्स ड्रा कर, ये आप देख रहे हैं इसका टेक्स्ट ज़रा ओवरलैप कर रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक सेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको अपडेट ग्रुप लेआउट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने अपडेट ग्रुप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इसकी दोबारा से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आपके इसका ओवरलैप जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर नीचे चेक करें कि ये दोनों आपको एलिवेशन सेम नज़र आ रहे हैं, तो इस एलिवेशन को करेक्ट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप एडिट सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर आप बैंड्स में जाएंगे। तो ये जो आपने बैंड्स शो किए हैं इसमें, यहाँ पर ये सबसे पहले आपका बैंड्स है फिनिश ग्राउंड का, तो यहाँ पर आपने फिनिश ग्राउंड सेलेक्ट करना है, जो कि जो आपकी फिनिश ग्राउंड है वो आपकी कॉरिडोर ही है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुई है। और ये जो आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पर आपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड अपना सेलेक्ट करना है, ये आपने एग्जिस्टिंग ग्राउंड नीचे सेलेक्ट करना है, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड और ये भी एग्जिस्टिंग ग्राउंड, और यहाँ पर आपका जो है वो कॉरिडोर होना चाहिए, तो वही है ये फॉर्मेशन ग्राउंड में। और जाना आपने अप्लाई कर देना और ओके कर देना है। जैसे उसे अप्लाई और ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, अब आपका एलिवेशन चेंज हो गया, ये 5-6 हो गया, ये 2-4 हो गए। अब ये आपके जितने भी एलिवेशन थे सब उसने वो ड्रा कर दिए हैं जैसे जैसे थे। तो ये तो आपका, अगर आपने सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जस्ट सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ पर गए थे और हमने चेंज किया था, तो ये सिर्फ एक ही सेक्शन पे चेंज होगा। अगर आपने सब पे करना है तो अपने सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाना है, आपने ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर जैसे यहाँ से हमने अप्लाई किया था और यहीं पर आप जाके आपने यहाँ से असाइन कर देनी है। जैसे कि ये आपकी जो है वो आपकी फॉर्मेशन ग्राउंड है और ये नीचे एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, तो इधर ऊपर आपने ये जो सर्फेस है ये फॉर्मेशन ग्राउंड की कॉरिडोर ही सेलेक्ट है, तो इधर आपने नीचे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेनी है दोनों साइड पर। ये एग्जिस्टिंग सेलेक्ट होगी, उसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, देन इधर नीचे भी अप्लाई कर दिया और ओके कर देना आपने। जैसे ही इसे आप अप्लाई और ओके करेंगे तो ये आपके जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं सब पर कंटिन्यूसली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपके क्रॉस सेक्शन हैं उस पर नीचे उसने एलिवेशन जो है वो शो कर दिया है, या ऊपर के एलिवेशन उसने, अब जहाँ पर तो वो नहीं शो करेगा क्योंकि जहाँ पर आपके ऊपर सर्फेस नहीं है, तो ये आपके सारे एलिवेशन एज इट इज़ उसने शो कर दिए हैं। तो उसके अलावा आप अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक और उसे सेक्शन ग्रुप व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप,
राइट क्लिक और आप इसकी अगेन सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ से तो आपने बैंड ड्रा किए थे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो है आपका चेंज वॉल्यूम टेबल का, यहाँ पर आप वॉल्यूम टेबल जो है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। हमने अभी वॉल्यूम असाइन नहीं किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोफाइल ग्रेड पॉइंट्स, अगर आप सब में प्रोफाइल ग्रेड पॉइंट्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ऑफसेट, एडिट ऑफसेट एलिवेशन, अगर आप इसके एलिवेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसे ऑटोमेटिक पे ही रखेंगे, तो ये आप यहाँ से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की अगर आपने ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कोड सेट बैंड स्टाइल, कि ये जो आपको लेबल्स शो होते हैं या आपके कोड सेट्स होते हैं इसमें आपने जो है वो चेंजिंग करनी है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि एक ये आपका कोड है, ये आपका ETW है, एज ऑफ ट्रैवल वे है, ये आपका EPS है, एज ऑफ पेमेंट शोल्डर है, और ये आपकी डे लाइट है, और इस तरह ये आपका जो सेंटर में है ये क्राउन है, और ये आपकी जो है वो डे लाइट अपग्रेड है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो सेंटर पोर्शन है क्राउन पर आपका एलिवेशन शो नहीं हो रहा और ना ही यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो आपने जो है वो कोड सेट स्टाइल सेटिंग करनी होती है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और आप एडिट कोड सेट स्टाइल्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक पॉइंट्स और शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप ये लिंक्स के ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे देखें ये क्राउन है आपका, क्राउन में यह आपका लेबल जो है ये ऑफ है, तो यहाँ पर आप जाकर व्यू एडिट पे क्लिक कर दें और ओके कर देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये सेंटर में क्राउन पर एलिवेशन शो हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी आपका एलिवेशन शो हो जाए, तो ये आपका पॉइंट ये आपको नीचे नज़र आ रहा है डे लाइट में, ये आपका डे लाइट सब ग्रेड है, यहाँ पर आप जाके व्यू एडिट कर देंगे और ओके आपका डे लाइट सेपरेट है। इस तरह आपके ये बहुत से दूसरे भी ऑप्शंस हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आप ड्रा करवाना चाहते हैं। ये देखें आपका उसने शो कर दिया है, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। नन करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप किसी को भी अगर शो करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आप इधर से अप्लाई करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी क्रॉस सेक्शंस थे, क्योंकि हमने ग्रुप प्रॉपर्टी सेक्शन स्टाइल में यूज़ किया हुआ था, जितने भी आपके जो क्रॉस सेक्शंस हैं उन सब में उसने शो कर दिए हैं सेंटर पे क्राउन पे। और इसके अलावा और मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको साइड स्लोप यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपकी साइड स्लोप है, ये आपको ग्रेड नज़र आ रहा है बजाय स्लोप के। तो अगर आप इस ग्रेड को स्लोप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो इसी को कोड सेट स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हम एडिट कोड सेट स्टाइल्स में जाएंगे, तो अब हम लिंक्स में जाएंगे। लिंक्स में जाने के बाद जहाँ पर आपको नीचे जो है वो ये आपको साइड वॉक नज़र आ रहा है, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं ये आपको डे लाइट नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपने जाके ऑप्शन को चेंज कर देना है, ये व्यू सेक्शन एडिट पे सेलेक्ट है, आपने यहाँ पे स्टीप ग्रेड पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है एंड देन अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप इसके ग्रेड को उसने चेंज कर दिया और ये स्लोप में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको टेक्स्ट थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप एडिट में जाना है, यहाँ पर जैसे आप एडिट में जाएंगे तो ये आपको टेक्स्ट हाइट नज़र आ रही है, इसको आप 1.5 कर दें, अप्लाई और ओके कर दें, इसको आप ओके कर दें देन अप्लाई कर दें, तो ये आपको टेक्स्ट एडजस्ट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी सेक्शंस हैं तमाम सेक्शंस में उसने जो है वो स्लोप ड्रा कर दी है। ये जितने भी आपके सेक्शंस हैं ये तमाम सेक्शन जो हैं उसमें अपने आपको उसने ये स्लोप ड्रा कर दिया, उसने ग्रेड को चेंज कर दिया और उसने आपकी स्लोप लगा दी है। इसके अलावा ये आपको साइड वॉक नज़र आ रहा है, साइड वॉक के ऊपर ये आपको ग्रेड नज़र आ रहा है -25। अगर आप इसको स्लोप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्लोप लिंक नज़र आ रहा है, इसमें आपने ये लेबल का ऑप्शन जाके यहाँ से स्टीप ग्रेड पे क्लिक कर देना, ओके कर देना और अप्लाई कर देना है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये आपकी स्लोप में कन्वर्ट हो गया -400 × 1। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, हम इसे दोबारा नन कर देते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर है, इसमें आपके लिंक्स में डिफरेंट ऑप्शन है,
या आप इनको यूज़ करते हुए इनकी स्लोप्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये ग्रेड जो वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं इनको चेंज करना है तो वो आपने लिंक्स में से चेंज करना है, और अगर ये जो आपको एलिवेशन नज़र आ रहे हैं इनको चेंज करना है तो ये पॉइंट्स में से जाके चेंज करना है या किसी और को अप्लाई करना है। तो ये है हमारा प्रोसीजर, इसका कोड सेट स्टाइल जो है वो इनको सेट करने का। इसके अलावा आपने मैं आपको स्केल सेट के बारे में थोड़ा बता दूं, अगर आपने स्केल सेट करना है तो ये आप नीचे देख रहे हैं, अगर आपने क्रॉस सेक्शंस पर काम करना है तो आपने 1:250 रखना है। अगर आप ऊपर दोबारा अगेन प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ आपको आप अपना स्केल बढ़ा लें, इसको आप 1:1000 कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1:1000 है, तो यहाँ आप जब 1:1000 को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इसका जो व्यू है आपका जो रोड प्रोफाइल का व्यू है ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया, और आप जब दोबारा नीचे आते हैं तो ये इसका ओवरराइट हो गया, तो यहाँ पर आपने अपना 1:250 यूज़ करना है। तो इस तरह आप अपना स्केल जो है वो कन्वर्ट करके आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। सॉरी 1:250 है, ये 1:250, आपसे जब 1:250 करेंगे तो ये अगेन इसमें चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आपको याद है हमने शुरू में जो जब हमने असेंबली भी डिज़ाइन की थी उसमें डिफरेंट स्लोप्स दी थी, तो इस तरह वो स्लोप्स जो है वो हमने स्टीप और मीडियम और जो है वो नॉर्मल स्लोप्स दी थी, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शंस में ऐसे ही उसने स्लोप्स ड्रा की हुई है। जैसे कि ये 200 है नॉर्मल स्लोप है तो इसने 200 रखी हुई है, ये जब इसमें ज़्यादा स्लोप जाएगी तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने यहाँ पर इसकी स्लोप को जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पर मीडियम है तो ये -6 है और ये -2 है, ये स्टीप है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये -4 हो गई है, ये मीडियम हो गई है, और इसी तरह ये जैसे जैसे आपने क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है ऐसे ऐसे उसने यहाँ पर उसको स्लोप्स जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से असाइन की हैं, साइड स्लोप्स जो होती हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कहीं में आपका नेचुरल ग्राउंड जो है वो ऊपर जा रहा है, ये आपका सारा एरिया जो है वो कट में आ रहा है। अगर आपका ये कहीं पर आपका ये नेचुरल ग्राउंड है वो नीचे जा रहा है तो ये आपका एरिया जो है वो सारा फिल में आ रहा है। तो इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन में हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कट और फिल आनी है और किस तरह से कैलकुलेट करनी है, उसका मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है, उसके वॉल्यूम्स वगैरह किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो इसी तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके ग्रिड्स, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं, इनको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप सेक्शन व्यू स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 10 10 आप इसको 5 5 कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके जो ग्रिड्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। ओके, ये आप इसके इस तरह से ग्रिड जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जब उसके ग्रिड स्टाइल्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे इसने 5 5 पे कर दिए हैं, जितने भी आपके ग्रिड्स हैं वो सारे उसने ये 5 5 पे कर दिए हैं, और साथ ही उसने नीचे जो आपका एलिवेशन है उसको भी 5 5 पे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से सेक्शन ड्रा करने हैं। लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट है, जल्द ही नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।